हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? सो चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी जो लिस्ट ऑफ फोनिक टॉपिक्स है, इनको किस तरह से पढ़ाना है आपको। बाय द वे, आपको बता दूं, ये क्विक रेफरेंस गाइड, ये जो आप फ्लिप बुक देख रहे हैं, ये फ्री पर डाउनलोड है मेरी वेबसाइट पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर चेक करें। इट्स www.splendidmoms.co.in। इसको हैंडी रखें और ये सारी टॉपिक्स डेफिनेटली बच्चे को सिखाएं, चाहे वो ग्रेड वन में हो, ग्रेड टू में हो। अगर रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली ये सारी टॉपिक्स आप दोबारा उसको रिविजन करवाए सो दैट वो रीडिंग कर पाए। सो चलिए देखते हैं ये सारी टॉपिक्स किस तरह से आपको कवर करनी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ानी है ईच एंड एवरी टॉपिक में। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सीवीसी वर्ड्स की। उससे पहले बच्चे को लेटर की जो साउंड्स है ए टू जेड वो थरोली आनी चाहिए। आप जब लेटर के साउंड सिखा रहे हैं तो बीच बीच में टेस्ट जरूर लें, लेटर्स बताएं कि इस वाले लेटर का क्या साउंड है या फिर इस वाले लेटर का क्या साउंड है। इस तरह से आप रैंडम लेटर्स बताएं और उनकी साउंड्स बच्चे को पता है या नहीं, ये डेफिनेटली टेस्ट करें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आता है वावल नॉलेज। बच्चे को वावल्स क्या होती हैं, कितने वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वावल्स होती हैं, वावल्स की भी नॉलेज दें। देन आफ्टर दैट आती है सीवीसी वर्ड्स की टॉपिक। सीवीसी वर्ड्स मतलब थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं जिसमें कॉन्सनेंट वावल कॉन्सनेंट वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे। सीवीसी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को रीडिंग सिखाने में। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जहाँ पे बच्चे वर्ड्स रीड करना सीखते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को रीडिंग करना सिखाएं सीवीसी वर्ड्स को। सीवीसी वर्ड्स के थ्रू बच्चे जो है ना, जो वावल बीच में है, ये कॉन्सनेंट वावल कॉन्सनेंट वर्ड्स होते हैं, तो ये जो वावल बीच में है इस वावल को कॉन्सनेंट्स के साथ मिलाकर किस तरह से पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि हिंदी में होता है ना, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, ये जो मात्रा होती है ना वो यहाँ पे इंग्लिश में वावल्स होते हैं। तो जैसे कि सी ए टी, ख एट, कैट है ना, म ए न, मैन। तो ये बच्चे सीखते हैं यहाँ पर साउंड्स को ब्लेंड करना, साथ ही जो वावल है और कॉन्सनेंट है उनको मिलाकर किस तरह से पढ़ना है वो सीवीसी वर्ड्स में सीखते हैं। तो सीवीसी वर्ड्स जब आप पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली ब्लेंडिंग सिखाएं। ब्लेंडिंग मतलब साउंड्स को मिलाकर पढ़ना, इस तरह से म ओ प मॉप, ये भी सिखाना होता है। देन यू शुड ऑल्सो टीच सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग मतलब आइडेंटिफाइंग इनिशियल साउंड इन द वर्ड, आइडेंटिफाइंग मिडिल साउंड ऑफ द वर्ड एंड आइडेंटिफाइंग द एंड साउंड ऑफ द वर्ड, ये भी डेफिनेटली बच्चे को करवाए। जैसे कि टेल मी व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड कप, कप, ख। देन व्हाट इज द मिडिल साउंड, अ दैट इज यू, एंड साउंड प दैट इज पी। तो ये सारी चीजें सीवीसी वर्ड्स पढ़ाते वक्त आपको कवर करनी होती है। देन नेक्स्ट है ब्लेंड्स। ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स में आप डिफरेंस समझिए। ब्लेंड्स का मतलब होता है दो कॉन्सनेंट्स एक साथ आते हैं बट उनकी इंडिविजुअल साउंड आप सुन सकते हैं। जैसे कि बी एल है, ब ल ब्ल, तो ये जो साउंड है ना ये आप सुन रहे हैं, बी भी आपको सुनने में मिल रहा है, एल भी आपको सुनने में मिल रहा है, तो बी एल इज अ ब्लेंड ईयर। इस तरह से सारे ब्लेंड्स कवर की गई हैं इस वाले पेज पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आफ्टर ब्लेंड्स यू हैव डायग्राफ। जैसे मैंने कहा ब्लेंड में लेटर्स की साउंड आप सुनते हैं, जैसे कि स्प है तो स एंड प दो भी सुनने को मिल रही है, बट डायग्राफ्स में ऐसा नहीं होता। डायग्राफ में दो लेटर्स तो होते हैं बट उनकी एक नई साउंड होती है। जैसे कि सी एच है च, सी का साउंड क है, एच का साउंड ह है, बट सी एच को हम च पढ़ते हैं, तो दिस इज डायग्राफ। ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायग्राफ्स ये भी जरूर पढ़ाएं। बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि हम ओके ये तो हम पढ़ा लेंगे, पी एच को हम फ पढ़ते हैं, बट ओ एन ई को कैसे पढ़ाएं, है ना, हमें पता नहीं होता, हम बच्चों को कैसे सिखाएं। डब्ल्यू एच को हम व पढ़ाएंगे, वॉट इज ए एल ई हेयर, हाउ विल दे नो इट्स एल, ए को लॉन्ग पढ़ना है, हम बच्चे ए ल पढ़ेंगे ना इसको व एल, विच इज रॉन्ग। तो आपको जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना इनिशियली फर्स्ट टाइम, सिर्फ फोकस करिए इस वाली साउंड पर, और ये वाली बच्चों को बस आपको पढ़ानी होती है व एल वेल, इस तरह से। बाद में जब बच्चे रीडिंग करेंगे वहां पर, यानी सारी टॉपिक्स कवर करने के बाद जब बच्चे रीड करेंगे उनको पता होगा कि डब्ल्यू एच को व पढ़ना है,
ए को हम लॉन्ग पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड ई से एंड हो रहा है, सो इट इज लाइक अ मैजिक ई वर्ड. तो बच्चों को जो नॉलेज होगा इस वाली टॉपिक का, लॉन्ग वावल्स का, तो तब ये कंप्लीट वर्ड पढ़ पाएंगे. तो इनिशियली आपको सिर्फ फोकस करना है इस वाली साउंड पर जो मैंने रेड में यहाँ पे हाईलाइट की है. तो ये है डायग्राफ्स और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फाइनल ब्लेंड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, अक्सर बच्चे नहीं पढ़ पाते. एफ टी को फ्ट इस तरह से, एस के स्क, मास्क, गिफ्ट. तो रीडिंग करवाए एक दो बारी, डेफिनेटली बच्चे रीडिंग करना सीखेंगे जब बाय द टाइम वो ग्रेड वन पहुंचेंगे. देन यू हैव आर कंट्रोल वावल्स एंड डिप्थोंग्स हियर. आर कंट्रोल्ड वावल इसीलिए क्योंकि वावल का जो साउंड है ना वो आर कंट्रोल करता है, मतलब आर की वजह से जो वावल का साउंड है वो चेंज हो रहा है. तो इसीलिए हम ये जो कॉम्बिनेशन है ए आर ई आर आई आर ओ आर एन यू आर, इसको आर कंट्रोल्ड वावल कहते हैं. एंड आप यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है ए आर साउंड्स एज आर, आर को ए आर को हम आर की तरह पढ़ते हैं, ह आर हार्ड, एंड हम ओ आर को और की तरह पढ़ेंगे, ख और न कॉर्न इस तरह से. वेयर एज इन द ए आर एंड ओ आर की तो अलग साउंड है, बट ई आर आई आर एंड यू आर तीनों की एक ही साउंड होती है. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एज इन अर, जैसे कि वाटर, अर साउंड. तो इस तरह से ई आर आई आर एंड यू आर की सेम साउंड होती है. देन यू हैव डिप्थोंग्स. डिप्थोंग्स में दो साउंड्स होती हैं, ऑय एंड आउ. ऑय को लिखते हैं ओ आई एंड ओ आई की तरह, देन आउ को लिखते हैं ओ यू एंड ओ डब्ल्यू की तरह. डिप्थोंग्स आर नथिंग बट ग्लाइडिंग साउंड्स. ग्लाइडिंग मतलब दो वावल्स होते हैं और जो साउंड है पहले वावल की वो ग्लाइड होते हुए दूसरे वावल तक, मतलब फिसलते हुए दूसरे वावल तक जाती है, जैसे कि ऑय, ऑय, ऑयल, ऑय, टॉय इस तरह से. सो ओ आई इन जनरल बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में, मिडिल ऑफ द वर्ड में आपको देखने को मिलती है, एंड ओ वाई एंड ऑफ द वर्ड में. देन यू हैव आउ, आउ क्लाउड एंड क्राउन. ओ यू आपको बिगिनिंग एंड मिडिल ऑफ द वर्ड में मिलेगी, वेयर एज ओ डब्ल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में ही मिलेगा, बट कभी कभार ओ यू इस तरह बीच में भी, यानी मिडिल ऑफ द वर्ड भी आता है जब वर्ड एन या एल से एंड होता है. तो अगर कोई वर्ड एल और एन से एंड हो रहा है और उसके आगे आउ साउंड है तो यू हैव टू यूज ओ डब्ल्यू. तो इस तरह से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बुक में प्रोवाइडेड है, इस फ्लिप बुक में प्रोवाइडेड है, सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले. देन यू हैव ट्राइग्राफ्स. ट्राइग्राफ्स आर नथिंग बट थ्री लेटर पैटर्न्स, जैसे कि ए आई आर को हम पढ़ते हैं एयर, चेयर, प्योर, हियर. तो ये है ट्राइग्राफ्स. देन यू हैव इम्पॉर्टेंट साउंड यूनिट्स, कुछ और साउंड यूनिट्स. ये टॉपिक्स बच्चों की बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, बट डेफिनेटली यू हैव टू कवर देम सो दैट बच्चे को नॉलेज रहे कि टी आई ओ एन को शन पढ़ते हैं, टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, जब वर्ड में के एंड में वाई आता है हम इसको आई साउंड की तरह पढ़ते हैं, अगली एल आई की तरह पढ़ते हैं एल वाई को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एंड बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं. देन लॉन्ग वावल्स एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी. लॉन्ग वावल सिखाने के लिए सबसे पहला टॉपिक है मैजिक ई वर्ड्स. तो लॉन्ग वावल की दो साउंड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए कि वावल की दो साउंड्स होती है. इनसे जब सी वी सी वर्ड्स पढ़ा रहे हैं उनको बस इतना बताना है कि सी ए की, ई की, आई ओ यू की शॉर्ट साउंड आपको बतानी है, बट जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये टॉपिक तक आएंगे देन इंट्रोड्यूस देम के वावल की दो साउंड्स होती हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग. जो हमने अब तक सीखी है वो है शॉर्ट, एंड लॉन्ग साउंड होती है वावल का नेम इटसेल्फ. जैसे कि ए को हम ए नहीं पढ़ेंगे, ए को हम ए पढ़ेंगे, दैट इज द लॉन्ग साउंड ऑफ वावल ए. ए इज ए, ई इज ई, सो दैट इज द वावल लॉन्ग साउंड, द नेम इटसेल्फ. तो वो सिखाने के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है मैजिक ई. ये डेफिनेटली बच्चे को सिखाइए क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स में देखने को मिलता है, जब वर्ड ई, कोई भी वर्ड ई से एंड होता है तो इसकी प्रिसीडिंग जो वावल है वो लॉन्ग साउंड लेती है. ख ए ख, आप देखिए ई साइलेंट है एंड ए लॉन्ग है. केक, थीम, ई लॉन्ग है और ये वाला ई साइलेंट है. इसी तरह से शाइन, आई लॉन्ग है एंड ई साइलेंट है. रोप, ओ लॉन्ग है एंड ई साइलेंट है. देन म्यूट,
यू लॉन्ग है एंड ई साइलेंट है, तो ये टॉपिक डेफिनेटली सिखाए. देन कमिंग टू अदर वावल पैटर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं. ए आई इज, यू हैव टू रीड ए आई एज ए, रेन, प्रे. एक और लॉन्ग साउंड है ए का, वो है ए वाई. इस तरह से ई ई को भी हम ई पढ़ेंगे, शीप, पीच. यू हैव फ्यू अदर वर्ड्स फॉर लॉन्ग वावल साउंड्स ऑफ आई ओ यू. देन आफ्टर दिस यू हैव सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी. सी एंड जी लेटर्स जो होते हैं ना, उनके दो दो साउंड होते हैं. एक्चुअल में सी का जो हार्ड साउंड होता है वो है क, एंड जी का जो हार्ड साउंड होता है वो है ग. बट एक और साउंड होता है सी का, वो है स, स. देन जी का होता है ज, एज इन जे. तो सी ई, सी के बाद जब ई आई एंड वाई आता है, यू हैव टू रीड इट एज, रीड इट विथ स साउंड, सेंट. हम इसको कैंट नहीं पढ़ते, सेंट पढ़ते हैं. किटी नहीं होता, सिटी होता है. ये डेफिनेटली बच्चे को बताए, ये सिंपल सी चीज है ना. आप बच्चे को जब ये बता देंगे तो डेफिनेटली उनको ये हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम सी को स क्यों पढ़ रहे हैं, वाई नॉट क, हम सी क्यों पढ़ रहे हैं, उनका क्वेश्चन होता है. तो यू हैव टू आंसर देम लाइक दिस. तो इसी तरह से जी के बाद भी जब ई आई एन वाई आता है, यू हैव टू रीड इट विथ ज साउंड, ग नहीं. जी फॉर ग्रेप्स पढ़ते हैं ना बच्चे, नहीं. जी का एक और साउंड आता है ज, एज इन जम, जिम एंड जेंट. तो ये भी डेफिनेटली बच्चे को सिखाए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, ये बच्चे को पढ़ानी होती है. इसकी नॉलेज डेफिनेटली उनको होनी चाहिए, सो दैट वो ग्रेड वन, ग्रेड टू या ग्रेड थ्री में भी हो तो वो रीडिंग थरोली कर पाए. स्लोली एंड स्टडीली प्रैक्टिस से ही बच्चे रीडिंग करना सीखते हैं. बट बिफोर दैट ये टॉपिक्स आर वेरी नेसेसरी. क्विक क्विक वर्ड्स पढ़ने की बारी होती है ना, बच्चों को बताया कि वर्ड को ना स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और जो स्मॉलर पार्ट वो देख रहे हैं उसमें ये सारे नॉलेज जो भी उन्होंने सीखी है वो अप्लाई करके रीड करनी होती है. उससे क्या है ना, बच्चे जो वर्ड है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और रीड कर पाएंगे. इसके अलावा साइट वर्ड, साइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 75 to 80% साइट वर्ड्स ही होती है बच्चे जब कोई सेंटेंस या कोई लेसन पढ़ रहे होते हैं. तो डेफिनेटली साइट वर्ड्स, टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स, फोर लेटर वर्ड, जितने भी साइट वर्ड्स है जो उनको आपको याद दिलानी है वो उनको जरूर याद दिलाएं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंटेंस में बड़े वर्ड्स होते हैं वो सारे बच्चे इस नॉलेज के साथ डेफिनेटली पढ़ पाएंगे. सो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने देखा ये जो सारी फोनिक टॉपिक्स है, इसमें आपको इन सब टॉपिक्स को आपको किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, क्या क्या कवर करना है और किस तरह से पढ़ाना है. सो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.